हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश जनर। आज आपके लिए आप फ्रेम में देख पा रहे हो एक बहुत ही स्पेशल कार आई है, विच इज़ वन ऑफ द फेवरेट जे डी एम कार्स अवेलेबल इन इंडिया। नॉट एग्जैक्टली जे डी एम, क्योंकि सिर्फ जापनीज मार्केट में नहीं मिलती थी, बट इंडिया में इज एज अ जे डी एम ही कंसिडर करा जाता है। एंड ये जो कार है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आई थी, होंडा ने बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स निकाले थे, ओवर प्राइस निकाली थी, इस वजह से बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाए थे और अब हर कोई इसको ढूंढता है। मोर ओवर इस गाड़ी में आप देख ही सकते हो कितने सारे कॉस्मेटिक अपग्रेड्स हुए हैं। तो आज हम इनके ओनर से मिलेंगे, सारी उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज तक की उनकी मॉडिफिकेशन जर्नी कैसी रही है, उनका कैसे प्लान बना एक होंडा सिविक को परचेज़ करने का, उन्होंने अभी तक कितना स्पेंड करा है, क्या क्या अपग्रेड्स करे हैं। उसी के साथ अब जैसे ये गाड़ी यहाँ से जा चुकी है, इंडिया से जा चुकी है कार, तो अभी तक उनका अब कैसा इसके साथ एक ओनरशिप एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ गाड़ी के ओनर से, मनु में गर्ग भाई। हेलो भैया, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। तो मनु में भाई, आपकी ये है होंडा सिविक। हाँ जी। ये कौन सी ईयर का मॉडल है? ये 2020 मॉडल है। मैंने अच्छा, इसे जनवरी में परचेज करा था। ओके, तो आपने 2020 में जनवरी में इसको डायरेक्ट शोरूम से लिया था? हाँ जी, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है लोग सिविक यूज्ड ज्यादा लेते हैं और उसके बाद मॉडिफाई कराते हैं। एग्जैक्टली, तो आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टॉक कार ली थी राइट फ्रॉम द शोरूम। हाँ जी, 2020 में। तो मनु में भाई, जब आपने ये गाड़ी ली, तब इसी गाड़ी की अगर हम कैटेगरी बात करें तो बहुत सारी गाड़ियां थी, ऑक्टाविया थी, इलांट्रा थी। हाँ जी, सिविक थी, जो डी सेगमेंट सेडान जिन्हें हम कहते हैं, ज्यादातर कंपैरिजन में आते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर होंडा का मन कैसे, मतलब सिविक का मन कैसे बना? सो मैं, हमारी फैमिली में पहले एक होंडा सिटी थी 2011 मॉडल। ओके। तो वो वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड और रिलायबल कार्स थी जो हमने आज तक ओन करी हैं। एग्जैक्टली। तो होंडा से एक तरीके से जैसे अट्रैक्शन होता है कि कंपनी अच्छी है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। बिल्कुल। कोई कभी सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा। और ऊपर से इस गाड़ी की जो स्टॉक लुक्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ओके। जो इसका सॉर्ट ऑफ हैचबैक लाइक डिजाइन है, पीछे से स्लोपिंग रूफ लाइन है, वो बहुत अट्रैक्टिव थी। बिल्कुल। और ऊपर से आपने देखा होगा तो रोड पे कम भी दिखती थी और जो दिखती वो बहुत बढ़िया लगती थी। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड करा कि होंडा ही परचेज करेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे पास एक फॉक्सवैगन की पसार्ट भी थी। ओके, जो एक तरीके से ऑक्टाविया के ऊपर वाले सेगमेंट में लाया करती थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हुंडई का हमें मतलब कंपनी इतनी कभी समझ में नहीं आई। अच्छा। तो इस वजह से हमने उसे अवॉइड करा। ओके, तो दैट्स व्हाई चोज द सिविक। तो सिविक बेसिकली इज अ रिलायबल ऑप्शन विद रियली गुड लुक्स। हाँ जी, विद अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक पोटेंशियल, परफॉर्मेंस पोटेंशियल भी होता था, पर पुरानी वाली सिविक में जब मैनुअल आता था। हाँ, इसमें आता है आपका ZX CVT, जी, राइट? पेट्रोल वेरिएंट्स में CVT आता है एंड डीजल में मैनुअल आता है। एग्जैक्टली। तो मनु में भाई, हम देख सकते हैं कि आपने गाड़ी में बहुत सारा कॉस्मेटिक अपग्रेड कराया। हाँ जी। तो एक बार फ्रंट से स्टार्ट करें, तो आपने क्या क्या चेंजेस कराए हैं? सो फ्रंट में पूरी, मतलब पूरी गाड़ी पे टाइप आर वाइड बॉडी किट लगी हुई है। ठीक है। सो दो टाइप की किट्स आती हैं, एक जिसमें साइड फेंडर चेंज नहीं होते। अच्छा। जो स्टॉक रहते हैं जी। और इसमें डाला हुआ है वाइड बॉडी फेंडर। okay. जो गाड़ी से बाहर पॉप आउट करता है। एग्जैक्टली। अगर मैं इसको जस्टिस करने के लिए दिखा भी दूं एक बारी, तो आप देख सकते हो नॉर्मल गाड़ी का जो फेंडर है वो आपका यहाँ से निकल जाता है, राइट? इतनी लेंथ होता है, तो ये एक्स्ट्रा ये जो गैप है ये वाइड बॉडी फेंडर की वजह से है। ठीक है। और ये आपके इसको कहते हैं फिन्स, कहते हैं जी, ये कैनार्ड्स हैं, ये यूनिवर्सल कैनार्ड्स फिट करे हुए हैं। ओके। और ऊपर बम्पर क्लिप लगाई हुई है, दीज आर जस्ट फॉर एस्थेटिक्स, कोई ठीक है। एंड अगर हम फ्रंट में देखते तो ये कार्बन फाइबर रैप है। हाँ जी। ओके। नॉट ओरिजिनल कार्बन फाइबर। जी 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 जी। ओरिजिनल कार्बन फाइबर मैंने इसलिए पर्टिकुलरली चूज नहीं करा क्योंकि और कोई गाड़ी पे परफॉर्मेंस अपग्रेड्स है नहीं। बिल्कुल। तो इट डजंट मेक सेंस टू हैव अ रियल कार्बन बोनेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट। अगर यू आर गोइंग फॉर अ परफॉर्मेंस अपग्रेड देन इट्स बेनिफिशियल टू लाइट वेट होता है वेट रिडक्शन में। बिल्कुल। बट मुझे एस्थेटिक्स पसंद है कार्बन फाइबर की, सो आई चोज द रैप एंड फॉर मी अभी के लिए आई थिंक इट्स गुड इनफ। हां, इट्स सफिशिएंट इनफ। मैं चाहूंगा तो अपग्रेड करवा लूंगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली। एंड मेजॉरिटी लोग जो इंडिया में गाड़ी मॉडिफाई करते हैं उनको एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए। हां जी, क्योंकि हमारे यहां परफॉर्मेंस का अगर आप काम करवा भी लो तो भी वो रिलायबिलिटी और वो सब नहीं मिल पाती जी। तो आपने फ्रंट में एक तो कार्बन फाइबर का यहां पे रैप करा रखा है। डीक्रोम हुई है गाड़ी? नहीं, गाड़ी डीक्रोम नहीं हुई हुई। ये पूरे जितने आईलेट्स हैं, okay. फ्रंट ग्रिल, ये मेश और पूरा बम्पर। अच्छा। ये टाइप आर किट का ही पार्ट है अलोंग विद द फॉग लैंप हाउसिंग। अच्छा। एंड दी शार्क फिन्स। ओके, तो ये पूरा ही चेंज कराया था आपने? हाँ जी।
तो भाई और ये इस वाले लोगों को क्या कहते हैं, म्यूजिन लोगो होता दिस है? इज म्यूगन टाइप लोगो, ओके और ये भी किट के साथ ही आता है। अच्छा, ये भी किट के साथ ही हाँ आता जी, है। ओके, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द किट। या एंड अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें भाई? जो किट की ओवरऑल कॉस्टिंग है वो 1.5 लाख है फॉर द वाइड बॉडी किट, ओके, एंड इट इज़ अ बिट चीपर, आई थिंक अ लॉट चीपर इफ यू गो फॉर द नॉर्मल किट विद जस्ट द बम्पर्स चेंज्ड, द साइड्स कटिंग्स एंड द रियर बम्पर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कमिंग टू द साइड्स नाउ, तो हम देख सकते हैं वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इस कार की, डेट इज दिस JDM स्टाइल्ड व्हील्स। हाँ जी, तो ये आपके हैं इन्फिनिटी के। सो दीज आर इन्फिनिटी रिम्स, ये रेप्लिकाज हैं ऑफ ओरिजिनल वेल्ड वर्क रिम्स जो बाहर आते हैं और अमेरिकन ड्रैग सुप्राज और JDM कार्स पे आप देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। इनकी खासियत है कि ये डीप डिश अलॉयज हैं जी, जो इनका जो वाइड स्टांस है वो इनके जैसे कॉनकेव अलॉयज होते हैं। हाँ जी। जो बीच में से थोड़े अंदर जैसे थार पे आपने देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो स्टाइल अवॉइड करके द अलॉयज फ्लश, बट जो बाहर इसकी विड्थ इंक्रीज कर रहा है वो इसका डीप डिश वाला पार्ट है। एग्जैक्टली, जो एस्थेटिक इस गाड़ी को काफी ज्यादा और एनहांस कर देता है। इवन दो इसकी स्टॉक लुक्स भी बहुत अच्छी है, बट इन मॉडिफिकेशंस कराने के बाद एक हेड टर्नर बन जाती है। बिल्कुल। तो भाई ने यहाँ पे रेमस का एक ब्रांडिंग करी है। रेमस की ब्रांडिंग वेल्वेट्रॉनिक है। हाँ, वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट जो है तो वो रेमस का लगी हुई है एंड कैन। ओके, इसलिए मैंने सटल करी। ठीक है ठीक है, नहीं गुड टू गो। मोर ओवर यहाँ पे भी भाई ने कार्बन फाइबर रैप करा रखा है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये मतलब लोगों के लिए हो सकता है छोटी छोटी, बट हमें काफी एनहांस करती है, अच्छी लगती है, अपील करती है। एग्जैक्टली। साइड में आपने कार्बन फाइबर फिनिश में ही साइड स्कर्ट्स लगा रखे हैं। ये भी पार्ट ऑफ द किट आए थे। ये सिर्फ स्कर्ट नहीं, ये पूरा बंपर का पार्ट यहाँ से लेके फ्रंट तक वो पूरा चेंज हुआ। अच्छा, एग्जैक्टली, अकोमोडेटेड विद द फेंडर्स। डन। मोर ओवर ये अभी आपका क्रोम ही है, आपने कुछ इसमें नहीं कराया। ये क्रोम मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट डोर हैंडल ये सब डीक्रोम करा लेते हैं। बट क्योंकि मैंने अलॉयज ऐसे चेंज करे थे जिनमें वो क्रोम फिनिश है, है, तो मैंने चूज करा कि गाड़ी पे कहीं ना कहीं क्रोम हाईलाइट होनी चाहिए वरना वो ऑफ लगेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी ये क्योंकि ये दोनों के साथ मैच हो रहा है तो कहीं से भी मतलब आई सोर नहीं लग रहा, लग नहीं रहा, अलग से नहीं दिख रहा, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो रेयर की तरफ अगर हम बढ़े, और मोर ओवर सिविक में चार डिस्क आती है, ये काफी मेरे को सही लगा उस टाइम पे, वरना फ्रंट में डिस्क और रेयर में ड्रम ब्रेक्स आती हैं। अभी भी आप देखोगे मोस्ट कार्स पे जैसे वर्टस, लागिया, सिटी, ये कॉस्ट कटिंग के लिए फ्रंट में डिस्क देते हैं, रेयर में ड्रम्स देते हैं, जबकि वर्टस वगैरह तो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी एक तरीके से, वो उसको मार्केट यूज करके वर्टस GT लाइन, तो उसमें उनको देना ही चाहिए रियर डिस्क जी। तो कमिंग टू द रेयर नाउ, तो हम देख पा रहे हैं गाड़ी में फिर से बहुत सारे मॉड्स हैं, तो हम उसकी अब बात करें फिर से, तो क्या क्या करने वाले हैं? सो दिस इज द टाइप आर बम्पर। ठीक है। इसके साथ साथ ये म्यूगन लोगो मैंने बाहर से परचेज करा था। अच्छा। और इसका आप देखोगे कलर डिफरेंट है फ्रॉम द फ्रंट में, वो रेड वाला फिनिश है। फ्रंट में मैंने थोड़े रेड एक्सेंट्स के साथ दिया है जी। पीछे का मैंने थीम रखा है सिल्वर एंड ब्लैक। ओके। तो उसके हिसाब से मैंने ये वाला लोगो चूज करा है, बिकॉज आप देखोगे रेड इसमें थोड़ा ज्यादा स्टैंड आउट करता, सेंस नहीं बनाता कि सिल्वर गाड़ी पे रेड और क्रोम लोगो है। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये भी म्यूगन स्टाइल ही है, दिस इज नॉट ओरिजिनल होंडा लोगो। So, ये सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश में है। पर मैं देख पा रहा हूँ आपने जिस तरीके से गाड़ी डिजाइन करी है, मॉडिफाई करी है, वो बहुत ज्यादा टेस्टफुल तरीका है। मतलब लेजिट कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लैशी हो या बहुत ज्यादा सोबर हो। मैंने उसके लिए एक पहले से प्लान बना रखा था कि गाड़ी पे जैसे मैंने स्पॉइलर भी नहीं लगवाया। हाँ हाँ। तो एक तरीके जैसे स्लीपर बिल्ड्स होती हैं। एग्जैक्टली। जो एक एंथुजियास्टी पहचान सकता है, नॉर्मल लोगों को हो सकता है ना भी समझ में आए। हाँ। वो तो ये बात है कि इस गाड़ी के वैसे ही लुक्स इतने अपीलिंग है कि नॉर्मल लोग भी देखते ही है कौन सी गाड़ी जा रही है। स्टॉक सिविक भी देखते तो ये तो बिल्कुल ही देखेंगे। हाँ जी। तो इसका जो मैंने रूफ लाइन है, सारी लाइंस ऐसे बनाई हैं कि फ्लो करें। हाँ, स्पॉइलर हाँ। जो होता है वो मेरे ख्याल से थोड़ी लाइंस को ब्रेक करता है और अनइवन सा लगता है इन माय ओपिनियन। बिल्कुल। क्योंकि वो बना होता है सिविक हैचबैक टाइप आर ओरिजिनल जो बाहर आती है। यहाँ पे हमें सेडान ऑफर करी जाती है, ऑब्वियसली थोड़े बहुत वो चेंजेस करते हैं जो स्पॉइलर बनाते हैं, जिससे मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता सिविक। एग्जैक्टली। तो मतलब इंडिया में वैसे एक आजकल ट्रेंड ये है कि कोई भी सेडान हो उस पे स्पॉइलर लगा लो। स्पॉइलर लगा लो। आजकल आपके इतने सेडान वो स्लाविया, वर्टस, वरना, सिटी, दे डोंट केयर, सियास पे भी लगा लेंगे वो। सब गाड़ी की सेंस नहीं बनती फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी पे स्पॉइलर की एज पर द लॉज ऑफ फिजिक्स, बट ठीक है, एक कॉस्मेटिक अपग्रेड वो लोग कराते हैं। हाँ जी। बाकी बम्पर्स की हमने बात करी, एंड ये टेल लाइट्स में देख पा रहा हूँ भाई, ये क्या चेंजेस है इसमें? सो टेल लाइट्स आर स्मोक टेल लाइट्स। ओके। ये सीक्वेंशियल हैं, इनमें पूरा ये स्नेक टाइप डिजाइन है। अच्छा। सिविक में दो तीन टाइप की और आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स आती हैं, रेड लेंस में, क्लियर लेंस में जी, बट बिकॉज मैंने आपको बताया कि गाड़ी का थीम सिल्वर एंड ब्लैक है, तो ये टेल लाइट्स मेरे ख्याल से बेस्ट सूट करती है कार। एग्जैक्टली। और जो आप इसमें वो कह रहे हो कि मतलब मैट्रिक्स टाइप जो डिजाइन
डिजाइन है इसके अंदर, सीक्वेंशियल वाला सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं जी, फुल एलईडी सेटअप है। तो एक बारी दिखा भी दें। हाँ, एक बारी आप टर्न ऑन कर दो कार को, एक बारी इग्निशन ऑन कर दो सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे भी जब वो अनलॉक भी करी आपने तो भी आता है वो? हाँ जी, स्वाइप अप आता है। हाँ एग्जैक्टली, डन 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 डन। बाकी भाई ने मैं और भी जो मेरे को बेसिक चीज़ें पता है, टाइप आर का यहाँ पे लोगो लगा रखा है, जो एग्जॉस्ट टिप्स हैं ये टाइप आर किट के अंदर ही आती है वाली टिप्स? नहीं, एग्जॉस्ट टिप्स जो हैं ये भी मैंने साइलेंसर हाउस से परचेज करी थी। अच्छा, ये कस्टम टिप्स हैं। हाँ, एक्रापोविच वाली आपने देखी होंगी, वो बिल्कुल बिल्कुल लग गई हैं, बट उनमें क्या था कि दे आर नॉट वाइड इनफ टू अकोमोडेट विद इन दिस गैप। अच्छा, टाइप आर किट में एक प्लास्टिक पार्ट आता है पीछे जो वो थ्री टिप्स। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि मुझे हमेशा से वर्किंग टिप्स चाहिए थी फेक वाला। हाँ, उसमें आपको फेक ही रखनी पड़ेगी। हाँ, वरना वो मेल्ट होएगा कुछ और एंड कैनवा एंड हो जाती। बिल्कुल, बट इसमें मैंने वर्किंग टिप्स के लिए वहां से इसको राउट करवाया है। ओके, और ये दोनों टिप्स वर्किंग है। अच्छा, और इसी वजह से ही आप देखोगे कि मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बिकॉज दे आर ऑफ ब्लैक कलर अलॉन्ग विद द बम्पर पार्ट्स। तो वही हमारा जो पूरा थीम अभी तक बैक का चल रहा था वही कंटिन्यू हो रहा है। तो एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो एक बार एग्जॉस्ट की साउंड भी सुना देते हैं। मैं आपको साउंड सुना कि एग्जैक्टली अब जो एंड कैन जो भाई ने लगवा रखा है रेमस का, उसकी आवाज कैसी बनती है ऑफ दिस 1.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। बिल्कुल। तो गाइस, वीटेक इज ऑलवेज अ स्क्रीमर। बाकी भाई अभी रेव करेंगे, ये अभी वॉल्स ऑफ के साथ मैं आपको सुनाता हूं। अच्छा, ओके डन। ये अभी वॉल्स ऑफ है, करो फिर से, करो एक बारी। बिल्कुल, तो वीटेक जैसे स्क्रीमर है ये भाई। अगर आप अच्छा, आप ऑन है, आप ऑन है, तो गुड टू गो भाई, बहुत ज्यादा लाउड है। एंड मैंने ये देखा है वीटेक हमेशा से एक हाई पिच वाली आवाज देता ही देता है। हाँ जी, और इसका जो टॉप आरपीएम पे ग्रंट जाता है जी, वो आप सुनोगे तो मतलब बहुत ही फैंटास्टिक है। अच्छा, और इसमें मैंने अभी कुछ भी मतलब जैसे ट्यूनिंग होती है, क्रैकल ओवर ऑप्शन बैंग्स, वो कुछ नहीं करवाया है। ये अभी स्टॉक आवाज है। हाँ, नॉर्मल 1.8 NA सिविक इंजन में भी थोड़े बहुत क्रैकलिंग आती है, नो डाउट आती है। तो मनु में भाई, हमने पूरी गाड़ी के एक्सटीरियर की बात कर ली, अब हम चलते हैं अंदर एंड बाकी का आपका एक्सपीरियंस लेते हैं। आज हो तो गाइस, सिविक हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा लोअर्ड ऑप्शन है, मतलब जो काफ़ी लो होती है ना सेडान, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस में इशू रहता है, तो बहुत से लोग आजकल SUVs पे प्रेफर करते हैं। हाँ जी, तो भाई फिर आपका कैसे प्लान बना कि आप ये लोगे, मतलब जब पूरी दुनिया SUV ले रही है, ट्रेंड SUV का है। हाँ जी, तो फिर आप कह रहे हो आपके पास Passat भी है और सेडान्स पे ही आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। हाँ जी, तो फिर इसका मतलब सेडान SUV का मन क्यों नहीं बना बेसिकली? सो मुझे भी SUV से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक स्कॉर्पियो थी जो पहले, अब तो क्लासिक आने लग गई है। जी 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 जी, पहले क्लासिक वो S11 वगैरह जो आती थी। हाँ जी हाँ जी, आती थी वो स्कॉर्पियो थी। ओके, टाटा सफारी है मेरे पास जो न्यू जनरेशन है। हाँ जी हाँ जी, और पहले मुझे स्टॉर्म बहुत पसंद थी, बट लेते लेते वो डिसकंटिन्यू हो गई। बिल्कुल, तो SUVs मुझे पसंद है, या तो जो प्रॉपर SUV हो। हाँ, मतलब सूडो SUVs ना हो। हाँ जी, सूडो SUV आजकल जो चल रही है, क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, हाँ ये सारी हो गई। ये सारी गाड़ियां मतलब अच्छी हैं। हाँ, बट दे शुड नॉट मार्केट देम एज SUVs। हाँ, ये क्रॉसओवर रेस्ड हैचबैक, वो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल, दे ऑफर कंफर्ट टेक्नोलॉजी, बट वो ऑफ रोड वाली नहीं है, कैपेबिलिटीज है ही नहीं। हो तो सेडान्स का मेरे को इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस रहता है क्योंकि सेडान्स की एक तो लुक बहुत ही अग्रेसिव, exactly. जो वो फ्रंट का होता है कि इट जस्ट कट्स थ्रू एयर, एरोडायनामिक्स होते हैं, वो हमेशा मुझे ज्यादा अपीलिंग लगा है। और उसके साथ साथ सिविक और होंडा कार्स के लिए तो सॉफ्ट स्पॉट है ही। बिल्कुल, और मेरे को लगता है जो हमारे एज ग्रुप के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है प्रैक्टिकलिटी हिंडरेंस हम झेल लेंगे। हाँ जी, पर हमें गाड़ी की लुक्स चाहिए, ड्राइविंग फील चाहिए, एंथुजियास्टिक फील होनी चाहिए चलाते हुए। तो आपने ली सिविक, ठीक है। हाँ, सिविक आपने जब ली तो अब सिविक होगी डिसकंटिन्यू। सिविक डिसकंटिन्यू होने का एक रीजन ये भी था कि इतनी हाईली प्राइस्ड गाड़ी थी। हाईली प्राइस्ड गाड़ी आप देखोगे तो उस टाइम के हिसाब से कोई 22 लाख रुपए का VX मॉडल नहीं परचेज करता था। एग्जैक्टली, बट अब का टाइम बदल गया है, अब वर्टस भी लोग 23 लाख ले रहे हैं। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से अगर जैसे अब तो होंडा ने कंसिडर नहीं कर रहे हैं सिविक को लाने के लिए, बट उस टाइम पे ये गाड़ी मेरे ओपिनियन में वर्टस लाविया से बेटर है, एक सेगमेंट ऊपर है पूरा। हाँ जी, पूरा सेगमेंट ऊपर है। आप इंटीरियर क्वालिटी, एग्जैक्टली, फिट एंड फिनिश देखोगे, यहाँ सब यहाँ पे सॉफ्ट टच है, वर्टस वगैरह में सॉफ्ट टच नहीं आता, हार्ड प्लास्टिक आते हैं। एंड उसके आप AC वेंट्स वगैरह की देखो तो लगता है कि हाँ भाई जर्मन कार्स में भी कॉस्ट कटिंग हो गई है, हो गई है। और जबकि ये जापानीज है,
एंड जापानीज आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी नॉट फॉर देयर फिट एंड फिनिश, बट फिर भी गाड़ी में भी बहुत अच्छी फिट है। तो भाई जब अभी तक जैसे आपने कितनी 1000 किलोमीटर रन कर लिया? सो ये मैंने 30000 ऑलमोस्ट 31000 किलोमीटर चल गई है इन अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स। हां 3 इयर्स, 3 इयर्स से ऊपर ही हो गए थोड़े। इस गाड़ी की कम रनिंग है क्योंकि अब तो जैसे बिल्कुल भी डेली ड्राइवर के तरीके से यूज नहीं होती। ओके, अब प्योरली प्रोजेक्ट कार है तो मैं मीट्स में ले जाता हूँ, कभी ऐसे शूट होता है तो उसमें ले जाता हूँ। बिल्कुल, बट बाकी गाड़ियाँ ज्यादा यूज होती हैं तो इसकी रनिंग कम है। बाकी गाड़ियों की मेरी रनिंग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से है। अच्छा, तो मैंने भाई जैसे डिसकंटिन्यू तो हो गई है पर सर्विसिंग आज भी होंडा में हो रही है। सो होंडा की सर्विसिंग है, मैं बाहर से अभी तक तो नहीं कराई है, गाड़ी अंडर वारंटी है। Okay. और क्योंकि कैटबैक एग्जॉस्ट सिस्टम है तो वारंटी वॉइड में भी कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। ठीक है, बाकी सर्विस कॉस्ट के ऊपर आए, सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ती है अप्रोक्सीमेटली 13000। अच्छा, फॉर एवरी 10000 किलोमीटर या 1 ईयर? मैं 10000 किलोमीटर में करा लेता हूँ। ठीक है, रिकमेंडेड भी इतना ही है या 15? रिकमेंडेड भी इतना ही इतना ही है। ओके ओके ओके। और बाकी जो बेसिक पार्ट्स हैं जैसे ब्रेक डिस्क वगैरह होता है और ऑल द पार्ट्स जो होंडा शेयर करती है थ्रू आउट इट्स कार्स जी, वो तो आराम से अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरे पार्ट्स जो स्पेसिफिकली मेड फॉर द सिविक है वो अभी मुझे चेंज कराने का ऐसे नीड ही नहीं हुई तो उस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता। एग्जैक्टली, बट वो कहीं ना मन में रहता है कि यार गाड़ी तो डिस्कंटिन्यू हो गई, पार्ट्स का पता नहीं। हाँ जी, वो अभी तो चलो 3 साल हुए हैं। हाँ, अगर आप इसी गाड़ी को 10 साल डाउन द लाइन और देखो कि मैं अभी तो और चलाऊंगा, ऐसे तो लगता है कि हाँ खड़ी रहेगी। तो हाँ, बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि बिल्कुल कुछ भी गाड़ी में जैसे फॉल्ट होता है मेजर, हाँ, तो उसके पार्ट सोर्स करने में प्रॉब्लम आएगी या सोर्स हो भी पाएंगे नहीं, बाहर से इंपोर्ट करने। इसीलिए जैसे हम ऑफ कैमरा ही बात करते तो भाई कहते हैं मैं परफॉर्मेंस अपग्रेड इसलिए ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर कुछ पार्ट फेलियर होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अपग्रेड जैसी चीज है अगर वो बहुत बढ़िया चले तो आपको मतलब मजा आ जाएगा, अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो पार्ट चेंज कराना उतनी ही बड़ी है। हाँ जी। तो सिविक आपने 3 साल चलाई, क्या एवरेज आती है सिविक की? 1.8 लीटर का मैसिव एनी इंजन है जी, बट इसकी माइलेज आप जानोगे कि सरप्राइजिंगली अभी इसकी जो 8 ट्रिप की माइलेज दिखा रहा है वो 9.7 है। ओके, और मैंने इस गाड़ी पे जब रीसेट करके चलाई थी तो 300 किलोमीटर में 13.9 किलोमीटर पर लीटर भी क्लॉक करी थी। अच्छा, और तो वो भी ऐसे नहीं कि जैसे आजकल लोग 60 पे चलाते हैं और वो कंटिन्यूअस क्रूज वगैरह लगा के, वो नहीं करा था मैंने। 5000 आरपीएम में एक रैली हुई थी। अच्छा, उसमें गाड़ी लेके गया था तो 13.9 की एवरेज आराम से आ जाती। तो फिर तो काफी मतलब फ्यूल इकोनॉमिकल है, बहुत बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी है। और जैसे कुछ नोशन होता है कि आप एलॉयज बड़े करवा लोगे, टायर बड़े करा लोगे, तो रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाएगी, इसमें अभी तक तो मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं। एंड बड़े एलॉयज से भी कहते हैं कि अनस्टेबल हो जाती है। नहीं नहीं, सिविक आप ऐसी गाड़ी है कि पहले भी बहुत स्टेबल थी और इसकी स्टेबिलिटी के लिए मेरे ख्याल से जैसे पाकिस्तानी ब्लॉगर वगैरह होते हैं वो हर बार ही बोलते रहते हैं कि सिविक की स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। एंड जो पाकिस्तान में सिविक चलती है वो क्रेजी बिल्ड्स होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड होती है। जैसे वो आपने फ्लिप फ्लॉप पीछे बूट देखा होगा वहाँ, क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी है क्योंकि डिस्कंटिन्यू नहीं है सिविक, तो आफ्टर मार्केट सपोर्ट की वजह से सिविक की मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे इंडिया में उन्होंने लॉन्च करी थी, यहाँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आती थी 2010-11 में जो लास्ट वो बैच निकला था। हाँ, उसके बाद बंद कर दिया था, फिर ये लाए थे 10th जनरेशन डायरेक्टली, ये भी इतनी नहीं चली क्योंकि प्राइस की वजह से। प्राइस और मेरे को लगता था एक चीज सिविक को मतलब लोग क्रेजी होके लेते, बहुत ज्यादा डिमांड होती, वो सिर्फ ये होता अगर पेट्रोल में मैनुअल आ जाता तो मेरे ख्याल से पूरी एंथुजियास्ट कम्युनिटी में से 30% लोग जो जेडीएम वाले हैं, हाँ, वो तो परचेज करते ही करते बिल्कुल लेते हैं। इससे ऊपर गाड़ी मेरे ख्याल से जेडीएम में बहुत कम है exactly. या फिर वो सुपर एक्सपेंसिव है जैसे जीटीआर वगैरह हो गए। बट सिविक एक ऐसा वर्ल्ड वाइड रेनाउंड आपका प्रोडक्ट है, पूरा क्रेज है उसका जेडीएम कम्युनिटी में, दूसरी कम्युनिटीज में भी लोग जानते हैं बिल्कुल कि हाँ यार सिविक वाला बंदा है तो सीरियस है, अगर मैनुअल सिविक लेके चल रहा है तो। और मैनुअल सिविक में पोटेंशियल भी बहुत है, ट्यूनिंग पोटेंशियल बहुत है, ऊपर से उसकी जो ड्राइव फील है उसके कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो अभी तक भाई इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या लगे आपको, पहले प्रोज से बात करते हैं। सो प्रोज में जैसे मैंने आपको बताया इसी इंटीरियर फिट और फिनिश से बहुत अच्छी और मैं अवेलेबल है, और जो पहले भी अवेलेबल थी उसके कंपैरिजन में भी काफी बढ़िया है। एंड लुक्स काफी अच्छे हैं, लुक्स काफी अच्छे हैं। इंटीरियर जो डिजाइन है ड्राइवर सेंट्रिक है, सारे ये एयर वेंट्स वगैरह, ये कॉकपिट एक तरीके से ड्राइवर फोकस्ड है बिल्कुल, जैसे आपकी BMWs में आता है सब कुछ ड्राइवर फोकस्ड होता है। सिविक का इंटीरियर हमेशा से अच्छा रहा, चाहे वो इससे पुरानी वाली शेप की भी जो थी वो भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थी कि स्पीडोमीटर ऊपर है, स्पीडोमीटर आता था नीचे, टैकोमीटर आता था नीचे आता था, वो स्टार्टिंग से फ्यूचरिस्टिक रहा बिल्कुल।
बाकी इसके प्रोज में एक तो फ्यूल इकोनॉमी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, तीन गाड़ी की जो स्मूथ ड्राइविंग है, जब मैंने जैसे एग्जॉस्ट नहीं लगवाया था तो गाड़ी में कोई नॉइज नहीं थी। अच्छा, आप इसको 5000 आरपीएम तक चला लो, गाड़ी में जरा सी भी नॉइज नहीं आएगी, इतनी बढ़िया। अच्छा, इंसुलेशन है, एनवीएच बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। कोई अच्छा। रोड नॉइज नहीं, कोई टायर नॉइज, सस्पेंशन नॉइज, जो आजकल प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी बहुत होंडा कार में, होंडा सिटी का सस्पेंशन सॉफ्ट है, उसमें से आवाज आती है, इसमें कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक है, इसका हो गया। तो एक ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया है गाड़ी के। ठीक, और सिटी तो ये कॉन्कर करती है, मतलब सिटी ड्राइविंग, बट इसका जो हाईवे परफॉर्मेंस है, जो ये मतलब एकदम क्रूजर बन जाती है गाड़ी, जी 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 जी, वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, और ऊपर से मतलब जैसे माइल्स ईट अप करती है कोई नहीं कर सकती। अच्छा, कंफर्ट वाइज मतलब बहुत ही, यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम, सीटिंग कंफर्ट वगैरह, जैसे हम भी अभी बैठे हैं तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स है, एंड हर जगह मतलब जो सीटिंग कंफर्ट होता है, जो कुशनिंग होती है, बैक रेस्ट एंगल होता है, वो टू द पॉइंट बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो जैसे उस टाइम पे भी इन्होंने फीचर्स काफी ऑफर करते, मैं देख पा रहा हूँ टच स्क्रीन मिल रही थी आपको, वायरलेस चार्जर आपको मिल रहा था। नहीं, वायरलेस चार्जर एक्चुअली ये मैंने बाहर से मंगवाया, दुबई से। अच्छा, तो ये स्पेसिफिकली मेड फॉर द सिविक है, तो लगता ऐसा ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी वैसे आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, आजकल मिस आउट करते हैं। तो मनु भाई, गाड़ी तो आपने बहुत बढ़िया बना रखी है, एक चीज की जो कमी लग रही है, दैट इज कि भाई ने कोई परफ्यूम नहीं लगा रखा यहाँ पे, है ना, बस एक चीज का ये सार पॉइंट मेरे को लगा। तो मैं आपको दूंगा ये इन्वॉल्व योर सेंसेस का परफ्यूम, जो एक प्रीमियम कार परफ्यूम है फ्रॉम इन्वॉल्व योर सेंसेस, जिसमें ये स्प्रे वाला बॉटल है, तो आप इसको एक बारी अनबॉक्स करो। थैंक यू। तो इसमें क्या है, एक आता है टैग और एक यहाँ पे आपका ये परफ्यूम का कैन है छोटा सा, ये बेसिकली जो नॉर्मल जैसे बॉडी स्प्रे हम यूज करते हैं। तो इस टैग को आप यहाँ पे अपने IRVM पे होल्ड कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। So, मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। एग्जैक्टली, तो इसको बस आप दो बारी स्प्रे करोगे अगर, तो ये समवेयर अराउंड आपको 2-3 days की फ्रेशनेस आराम से दे देता है। एंड अब आप फ्रेग्रेंस बताना कैसी लगी आपको। नहीं, फ्रेग्रेंस तो बहुत बढ़िया है। कभी आपने पहले वैसे यूज करा इन्वॉल्व का कोई? मैं ज्यादातर जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं वो या तो जो ट्री वाले आते हैं वो जैसे ये भी स्लीक है, मुझे ये चीज अच्छी लगी। बिल्कुल, कि इंटीरियर में वो जो अलग से दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो उस बढ़िया है, और स्मेल भी काफी अच्छी है। तो बिल्कुल, तो भाई इन्वॉल्व योर सेंसेस वन ऑफ द ग्रोइंग ब्रांड्स है, जो इस टाइम पे कार परफ्यूम से कार एक्सेसरीज में और अपने आपको आगे लेके जा रहा है। तो आपको अच्छा लगा? हाँ जी, बढ़िया। चलो, तो गाइज आपको भी अगर बाय करना हो तो आपको यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा कोड, वो कोड यूज करने से आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मनु में भाई, पॉजिटिव्स हमने देख लिए, ओवरऑल लुक देख ली, नेगेटिव्स पे आते हैं। सो नेगेटिव्स से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, पहले तो इसका गियर बॉक्स CVT, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल गियर बॉक्स। हाँ जी, मोस्ट स्मूथ गियर बॉक्स जो आता है, पर ड्राइविंग एंथुजियास्ट के लिए जीरो है। ड्राइविंग एंथुजियास्ट के लिए मेरे ख्याल से CVT के अलावा अगर टॉर्क कन्वर्टर भी दिया होता तो वो भी लाख गुना बहुत बेटर रहता। और मैनुअल तो खैर मैनुअल के तो मैनुअल तो मैनुअल है। हां जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट ऑटोमेटिक्स में भी CVT बहुत ही नीचे रैंक करता है। और अगर आप CVT भी देखो तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट होंडा ने जो ट्यून करा इसे, हाँ, वो जो इसके स्टेप्स वगैरह बनाए हैं, हाँ, वो टोटली इसको इकोनॉमी के हिसाब से करा है कि फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अच्छी मैक्स टू मैक्स दे पाए। और स्पोर्ट के लिए इसे ट्यून नहीं करा, जैसे अब मैं जब आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा जी, तो डी में ये 3000 आरपीएम पे स्टक रहता है। अच्छा, मतलब कॉन्स्टेंटली आप कितना ही पूरा पेडल दबा दो, 3000 आरपीएम से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, और एस में भी 4500 आरपीएम पे स्टक रहता है। तो पर VTEC इंजन्स तो आर नोन फॉर देयर हाई रेविंग इंजन्स, 7200 से ऊपर चलाओ तो एग्जैक्टली तब वो किक इन करता है। तो उसके लिए इसको आपको एस पे डाल के और फिर पेडल शिफ्टर जब आप एंगेज करोगे तो आपको ये मैनुअल कंट्रोल दे देगा। अच्छा, मतलब सॉर्ट ऑफ मैनुअल, क्योंकि स्टेप्स में आप एक तरीके से खुद आप 6500 आरपीएम तक आप इसको ले जा सकते हो, ठीक, बट उसके आगे ये होल्ड नहीं करेगा गियर, जैसे BMW अच्छा, होल्ड करता है, इसमें स्टेप्स चेंज होंगे। हाँ, स्टेप्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है, बट समवॉट बेटर देन डी मोड या एस मोड, डी मोड या एस मोड से बेटर मैनुअल मोड है। हाँ जी, ठीक है। तो भाई एक तो ये हो गया CVT ट्रांसमिशन इसका,
हाँ जी। सेकंड अगर कोई नेगेटिव आपको पता और तो रेयर सीट कंफर्ट वगैरह कैसा है इस गाड़ी का? रेयर सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें जो नीचे हम बैठते हैं ना, हाँ हाँ, आप देखोगे कि गाड़ी नीचे नहीं है, गाड़ी 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस में ऊंची है एज कम्पेयर टू द होंडा सिटी जो आज आ रही है। 179 है। अच्छा 179 है, ओके ठीक है, उसको मैनेजेबल है, 180 तो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं आती। स्पीड ब्रेकर अब तो क्योंकि मैंने टाइप आर किट लगवाई है तो वो नीचे जो स्प्लिटर आया है, साइड स्कर्टिंग आई है, वो टच होती है, एक्सटेंड हो जाते हैं वो स्पीड ब्रेकर। हाँ जो बड़े वाले तो टेढ़ा करके निकालते हो? फिर टेढ़ा करके निकालता हूँ मैं तो, वैसे ज्यादातर सब पे टेढ़ा करके निकालता हूँ कि हल्की सी भी स्क्रेप ना हो। हाँ, रिस्क नहीं लेना। होंडा कार्स में क्या होता है जो लोअर है, जैसे आप पुरानी सिटी भी देखोगे जो 2011 मॉडल मेरे पास था उसमें कहीं ना कहीं स्क्रेप हो जाता था। अच्छा, स्टॉक सस्पेंशन में, स्टॉक सिविक में भी होता था पुरानी वाली, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हाँ होता था और सब लोग कहते थे कि यार ग्राउंड क्लीयरेंस की बेकार है, बट मेरे ख्याल से उसके अलावा आप डाउन साइड कह लो इस गाड़ी में, मेरे को लगता है वो जो आप बता रहे हो सीट नीचे है पीछे वाली, तो उसकी वजह से नीज अप पोजीशन होती होगी, अंडर थाई सपोर्ट शायद कम होता नीज अप, हाँ, जैसे जो मैं टॉल हूँ, मेरी 6'2" हाइट है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें तो प्रॉब्लम होती है, बट अच्छा, अगर कोई एवरेज साइज बंदा बैठेगा तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट्स काफी वाइड है, कंफर्टेबल, सपोर्टिव और बोलस्ट्रिंग वगैरह भी ठीक है, गुड फॉर फोर। ये साइड में आपकी बोलस्ट्रिंग है, ये कम गाड़ियों में होती है बट इसमें अच्छी खासी, ये थोड़ा सपोर्ट बेटर दे देती है अगर आप एंथुसियास्टिकली भी ड्राइव कर रहे हो, अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हो तो दे होल्ड यू, आप मूव अराउंड नहीं करते, नहीं करते। तो जो सिविक है वो मतलब चार लोग के लिए कंफर्टेबल है, पांचवा भी स्क्वीज इन कर सकता है शायद। पांचवा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इट इज नॉट मेड फॉर मतलब 5-सीटर कॉन्फिगरेशन, ये 4+1 होती है। हाँ, 4+1 की अगर आप किसी बच्चे को बैठाओ जाना चाहो तो ठीक रहेगा, बट चार लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, तो गाइस यही था एक हमारा छोटा सा व्लॉग जिसमें हमने देखा कि एक होंडा सिविक के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और भाई ने बताया पूरा एक्सटेंसिवली क्या क्या भाई ने अपग्रेड करा रखा है। ओवरऑल अभी तक कितने पैसे लग चुके हैं कार में? जैसे बॉडी किट हमने बताई 1.5 लाख रुपए की, बॉडी किट हो गई 1.5 लाख रुपए की, एग्जॉस्ट हो गया आपका 40,000 रुपए का, अच्छा वेल्वेटोनिक ठीक है, टेल लाइट्स 20,000, अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसिव हैं, अलॉयज मेरे ख्याल से 60,000 के अलॉयज हैं, ठीक है, एंड फिर टायर भी अपग्रेडेड हैं, अच्छा टायर्स अपग्रेडेड टू कॉन्टिनेंटल सुपर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट मेरे ख्याल से कहते हैं, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स हैं जी, 270 किलोमीटर पर आर की रेटिंग है, स्पीड रेटिंग, अच्छा उतना तो खैर होगा नहीं, नहीं होगा। हाँ, पर ग्रिपिंग कैसी है? ग्रिप बहुत बढ़िया है टायर्स की, जो स्टॉक टायर्स उनसे लाख गुना बेटर है। भाई लास्ट में जाते जाते बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये आपने सारा काम सिविक का कहाँ से करवाया? सो ऑल द एस्थेटिक अपग्रेड जो भी है वो मैंने माइंड ऑटो मोड से कराया है, तुषार भैया से, तुषार भैया से, मतलब बिग शॉट आउट टू माइंड ऑटो मोड, अगर मैं मनु में भाई से मिल पाया हूँ तो वो तुषार भैया की वजह से, क्योंकि तुषार भैया ने मेरे को बोला कि भाई एक सिविक है बहुत अच्छी तैयार हुई है, लेजिट दिल्ली की, मतलब ये कह सकते हो बहुत ही रेयर और वन ऑफ वन होगी। सो दिल्ली की ये वन ऑफ वन से बिग है, दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात, अगर पेट्रोल की बात करें तो ये वन ऑफ वन है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल साउथ इंडिया में ऐसी है। हाँ हाँ, बाकी लोगों ने करवाया हुआ है विदाउट द वाइट बॉडी फेंडर्स तो है, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन, हाँ मतलब थोड़ा बहुत टाइप आर किट वगैरह लगा लिया, बट वो वाइट बॉडी वाली नहीं है, बम्पर पर वाइट बॉडी नहीं है प्रॉपर, मतलब उसमें वो स्टांस नहीं आती जो इसमें आ रही है। तो गाइस यही था एक छोटा सा हमारा ओनरशिप रिव्यू, डू फॉलो माइंड ऑटो मॉड्स फॉर ऑल द यू नो मॉडिफिकेशन अपग्रेड्स, अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी तो इनके पास ऐसी अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन सारी गाड़ियों के लिए अवेलेबल है। इन्वॉल्वो सेंसेस का आप कोई परफ्यूम लेना चाहते हो तो आपको कोड मिल गया, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।